प्रदेश विधानसभा की जन प्रशासन समिति के अध्यक्ष राकेश पठानिया ने सभी अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे जनहित के लिए सरकार की ओर से आवंटित धन का पारदर्शिता और पूर्ण उपयोग करना सुनिश्चित बनाएं तथा आवश्यकता पड़ने पर लापरवाही करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी करें। राकेश पठानिया जिला मुख्यालय कांगड़ा धर्मशाला में जन प्रशासन समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। विधानसभा समिति ने धर्मशाला में सैनिक कल्याण, आवाकारी एवं कराधान, राजस्व, गृह, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा सहकारिता विभाग सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों के कार्यों की चर्चा की। बैठक में समिति सदस्यों ने भी भाग लिया। राकेश पठानिया ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार आम जन को लाभान्वित करने व सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित कर रही हैं। योजना के लाभ लक्षित वर्गों तक पहुंचना प्रशासन व विभिन्न विभागों का दायित्व है। बैठक के उपरांत पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए राकेश पठानिया ने कहा कि धर्मशाला में विधानसभा जन प्रशासन समिति की 5वीं बैठक थी और अन्य जिलों की अपेक्षा जिला कांगड़ा में बेहतर कार्य हो रहा है। पठानिया ने अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए कहा कि अधिकारियों द्वारा जन कल्याण की योजनाओं को धरातल पर नहीं उतारा जा रहा है और अधिकारियों को योजनाओं की जानकारी तक नहीं है। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों द्वारा जन प्रतिनिधियों को भी प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी नहीं दी जा रही है, जिससे उक्त योजनाएं कागज में सड़ रही हैं और ऐसे समिति बिल्कुल नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि समिति सरकार को एक प्रस्ताव रखेगी कि विधायकों के लिए एक कॉन्क्लेव आयोजित करे, जिसमें जनप्रतिनिधियों को योजनाओं की जानकारी हो, ताकि इसका विधायक अपने अपने क्षेत्र में लाभ आम जनता तक पहुंचा सकें। पठानिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना है, लेकिन विभाग कमजोर तरीके से कार्य कर रहा है। ऐसे में ये कार्य बहुत मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार अरबों रुपए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध करवा रही है, लेकिन अधिकारियों को योजनाओं की जानकारी नहीं है। ऐसे में अधिकारी ऐसी योजनाओं का बेड़ा गर्क कर सकते हैं। हम सोलन से हमने शुरू किया था। सोलन के बाद हम बद्दी बूटीवाला में गए थे पुलिस डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद सोलन जिला हमने किया, उसके बाद पूरा चंबा करके आए, उसके बाद भरमौर के अधिकारियों से हमने विशेष बैठक अलग से की। भरमौर की सड़क बंद थी तो उनसे निवेदन करके हमने चंबा बुला ली था। तो उसके बाद ये लगभग 6वीं जगह पे हम बैठक कर रहे हैं और इसके बाद हमीरपुर में जाना है। तो कांगड़ा कंपैरेटिवली बाकी जिलों से बेहतर काम कर रहा है, पर जो बाकी जिलों में हमें कंप्लायंस सब विभागों की अच्छी नहीं थी, यहां पे भी प्रॉब्लम है। कुछ विभागों में अभी भी कंप्लायंस की प्रॉब्लम है उनको कंपैरेटिवली, बट अदर जिले से कांगड़ा बेहतर पाया गया अभी तक समिति ने, और हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें समिति का ये प्रयास रहेगा कि जो जन कल्याण की जो स्कीमें आई हैं सरकार से आई हैं, भारत सरकार से आई हैं, उनको दरअसल नीचे पहुंचाया नहीं जा रहा। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं पता कि क्या क्या स्कीमें लॉन्च की गई, और इस समिति ने इस दौरे में बहुत सफलता से एक सफलता हमने प्राप्त की है कि हमने अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को इस बातों से आर्म किया है कि भाई ये योजनाएं सरकार ने लॉन्च की हैं, इन योजनाओं का हम पब्लिक को फायदा उठाएं, क्योंकि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जितना बेहतर अपनी पब्लिक को जानता कोई अधिकारी नहीं जानता। ये केवल अधिकारी को कागजों में स्कीमें रह जाएं, कागजों में ही सड़ जाएं, कागजों में ही गल जाएं। इस समिति ने इस बात को इंश्योर किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव के जितने इश्यूज हैं उन इश्यूज को इस समिति ने बाहर निकाला, उस पटारे से बाहर निकाला, उसको धरातल में उतारने का प्रयास किया। और मैं समझता हूं कि मैं और मेरे सारे समिति के सदस्य हम इस बात से सहमत होंगे कि हम इस अभियान में काफी कामयाब रहे एंड वी हैव सक्सीडेड इन आवर रोल ऑफ ब्रिंगिंग आउट द पॉलिसीज मेंट फॉर द जनरल पब्लिक। और आपने देखा ही जैसे एक्साइज की हमने बात उठाई, आपके सामने बात आई, भाई देखिए हद है किसी बात की। इतना कोटा बढ़ गया कि आपको तकरीबन 1.5 बोतल रोज एक बंदे को कंज्यूम करनी पड़ी तब जाके इनका कोटा पूरा हो। तो अगर जब ये कोटे इतने बढ़ गए हैं तो उसका दुरुपयोग भी होगा, दुरुपयोग हो तो क्राइम भी बढ़ेगा, हर चीज इंटरलेटेड है ना। जब वो इलिसिट लिकर आएगी तो क्राइम बढ़ेगा तो आपका महिलाओं पे अत्याचार बढ़ेगा। ये हर चीज काफी चीजें हैं जो कोरिलेटेड है, इनको हमने बड़ा बोल्डली फेस करने का प्रयास किया। इसमें हम कोई अबव द पार्टी लाइन्स, सारे मेंबर्स में कोई किसी पार्टी लाइन के नीचे रहते हुए हमने अबव द पार्टी लाइन जो जो पब्लिक हित के फायदे के काम है उनको एड्रेस करने का प्रयास किया और हम उसमें काफी काम कर रहे हैं। सर स्कीम